Hello students, in this video we shall be studying levels of biodiversity. In the previous video we have gone through the meaning of the term and the driving force for biodiversity. Biodiversity, what we see today, is the outcome of over 3.5 billion years of evolutionary history, as a textbook bolta hai. और इस बायोडायवर्सिटी पे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जिस चीज का होता है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं. एनॉर्मस नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और उनका एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन, ये जो है इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिमेंबर. उनके कैरेक्टर्स, नाम याद रखना इज डिफिकल्ट. कंसिडरेबल वेरिएशन उनके फॉर्म में, अपीयरेंस में, साइज में हमें मिलता ही है, और इसलिए सिस्टमैटिक मैनर में उन्हें क्लासिफिकेशन में रखे बगैर उनको पढ़ना डिफिकल्ट है. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर बायोडाइवर्सिटी जिस चीज को रेफर करता है, मैं रिपीट कर रहा हूं कि वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड देयर हैबिटेट्स दैट टू फाउंड इन अ डिफरेंट एरिया. W.G. रोजेन ने ये टर्म कॉइन किया, ये हम लोग बार बार दे रहे, यानी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात याद रखिए. वो तीन चीजों को रेफर करता है बायोडायवर्सिटी, एक टोटेलिटी ऑफ द जीन्स, देन स्पीशीज एंड इकोसिस्टम ऑफ अ रीजन. बराबर, स्पीशीज की डायवर्सिटी जो है वो कम्युनिटी लेवल पे आती है, ये बात याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. और इकोसिस्टम की जो डाइवर्सिटी आती है वो इकोलॉजिकल लेवल पे आती है, ये भी इंपॉर्टेंट है. टोटेलिटी ऑफ द जीन्स को मैं रेफर करूंगा जेनेटिक डाइवर्सिटी से. लेवल्स को जब मैं एक्सप्लेन करता हूं, जब मैं जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करता हूं, जो सबसे प्राइमरी पार्ट है यहां पे, वो किस चीज को रेफर करता है, तो इट रेफर्स टू वेरिएशन इन द जीन्स विद इन द स्पीशीज. तीन वर्ड्स की बात करते हैं हम लोग. आई लाइक दिस एग्जाम्पल वेरी मच. आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, द स्पेलिंग इज EAT. बट जब मैं इसे रीअरेंज करता हूं तो इसी का पास्ट टेंस हो जाएगा, एट. यस भाई, खा लिया. अब खाने के बाद क्या चाहिए, तो अगेन आई विल रीअरेंज देम, दैट विल बी द TEA. अब मैं अगर इन वर्ड्स में एक एक अल्फाबेट ऐड करने की कोशिश करता हूं, बराबर, तो मुझे अलग अलग वर्ड्स मिलते हैं. मैं सिर्फ इन दोनों की बात करता हूं, मैं एक ही लेटर ऐड कर रहा हूं. यहां पे एच यहां रखता हूं तो वो हीट होता है, और यहां एच रखता हूं तो हेट होता है. ऐसे ही हमारे तुम्हारे बॉडी में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये चार अल्फाबेट्स है जो हजारों टाइप के कॉम्बिनेशंस, करोड़ों टाइप के कॉम्बिनेशंस बनाते हैं विद इन द स्पीशीज, और इसलिए एवरी इंडिविजुअल इट्स डिफरेंट, एक्सेप्ट ट्वींस, आइडेंटिकल ट्वींस. बराबर, जब मैं अलग अलग तरीके से जेनेटिक डाइवर्सिटी को एक्सप्रेस करता हूं, तो वहां मुझे ब्रीड्स मिलते हैं, रेसेस मिलते हैं, सब स्पीशीज मिलती है, वेराइटीज मिलती है, फॉर्म्स मिलते हैं. अलग अलग टाइप के फॉर्म्स, वेराइटीज की बात करें, तो इंडिया में सबसे ज्यादा वेराइटीज मिल रही है हम लोगों को राइस की, मैंगो की. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसके पीछे का रीजन मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी के पीछे जो वेरिएशन, जो रीजन है, वो वेरिएशंस इन द सीक्वेंस ऑफ फोर बेस पेयर्स है, विच आर कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट द जेनेटिक कोड, और इसलिए एक्सप्रेस होने वाला प्रोटीन भी हर ऑर्गेनिज्म का अलग रहेगा, और उसके चलते कैरेक्टर्स जो आते हैं वो भी अलग अलग टाइप के रहेंगे. बराबर, जीन्स जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं,
और ये जेनेटिक डाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस क्या है? तो इट हेल्प्स पॉपुलेशन टू एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू नेचुरल सिलेक्शन। जेनेटिक वेरिएशंस जो है, अलीलिक जीन्स में जो आते हैं, वो इंडिविजुअल को डिफरेंसेस एग्जिबिट करने पे या डेवलप करने में हेल्प कर रहा है विद इन द स्पीशीज। और इसलिए इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जेनेटिक वेरिएशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और स्पेसिएशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। और दैट्स वाई जेनेटिक डाइवर्सिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इन नेचुरल सिलेक्शन। जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी रहेगी उतना ऑर्गेनिजम्स बेटर अडॉप्ट करते हैं टू चेंज कंडीशंस ऑफ एनवायरनमेंट। और इसलिए जैसे मैंने शुरुआत में बोला है कि हम लोगों के पास 1000 वेराइटीज है मैंगो की और 50,000 वेराइटीज है राइस की, ये डाइवर्सिटी होती है। बराबर, रोवल्फिया वोमिटोरिया जो मेडिसिनल प्लांट है हिमालयन रेंजेस में मिलता है, टेक्सबुक का एग्जांपल है आपके, वो अलग अलग टाइप के केमिकल्स जो है उनके कॉन्सेंट्रेशन और पोटेंसी का वेरिएशन दिखाता है। और इसलिए जेनेटिक डाइवर्सिटी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो वो स्पीशीज डाइवर्सिटी किसे रेफर कर रही है? वो इंटर स्पेसिफिक डाइवर्सिटी को रेफर करती है, ये समझना जरूरी है। इट रेफर्स टू इंटर स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, यानी क्या? बेसिकली तो वेराइटी ऑफ स्पीशीज इन अ रीजन रेफर्स टू स्पीशीज डाइवर्सिटी। डिफरेंट नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया स्पीशीज रिचनेस को डेवलप करता है, उसे एक्सप्लेन करता है। यहां देखिए, यहां मुझे चार टाइप की स्पीशीज मिल रही है और चारों अलग अलग टाइप के प्लांट्स यहां पे मुझे मिलते हैं, ये स्पीशीज रिचनेस को इंडिकेट करता है। बट इन चारों टाइप के स्पीशीज में एक पर्टिकुलर टाइप की स्पीशीज जो है वो मुझे सबसे ज्यादा पार्ट में मिल रही है, तो वहां पे स्पीशीज इवननेस के कैरेक्टर को इंडिकेट किया गया है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन एन एरिया इज अफेक्टिंग इक्वेलिटी और इवननेस, ये बात याद रहे। जैसे जैसे आपके इंस्पेक्शन का एरिया, आपके स्टडीज का एरिया बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे नंबर ऑफ स्पीशीज भी बढ़ते जाएंगे और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस चीज को। और इसीलिए आपको अगर याद होगा, आपने प्रैक्टिकल्स किए हैं अभी, तो क्वाड्रेंट मेथड हम लोग इसी के लिए करते हैं और वहीं पे हम लोग स्पीशीज रिचनेस और इवननेस के पार्ट को स्टडी करते हैं। जितना किसी भी एरिया का स्पीशीज रिचनेस ज्यादा, उतनी उसकी स्पीशीज डाइवर्सिटी भी इंक्रीज होते जाती है। और इसको हम लोग यूज करते हैं एज एन इंडिकेटर ऑफ द कंजर्वेशन सिग्निफिकेंस ऑफ एन एरिया। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इंडियन कॉन्टिनेंटल सबकॉन्टिनेंटल रीजन की जब बात होती है तो हम लोगों के कंट्री का पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। मैं एक छोटा सा मैप यहाँ पे बना रहा हूँ। दिस इज इंडियन पेनिनसुला, ये श्रीलंका, ये हमारा वेस्टर्न कोस्टल एरिया है, ये हमारा ईस्टर्न कोस्टल एरिया है। बराबर, वेस्टर्न घाट के रीजन में एम्फीबियंस का नंबर ज्यादा है स्पीशीज का एज कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट एरिया। बराबर, नेचुरल अनडिस्टर्ब जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वहां स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है। बराबर, और इसलिए फॉरेस्ट प्लांटेशन में बांबू का यूज करके जो नंबर बढ़ाया गया उससे वो अलग रहेगा। रिचेस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी इंडिकेट करने वाली जो 15 कंट्रीज है उसमें हमारे कंट्री का नंबर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी या फिर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे। डाइवर्सिटी ऑफ इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस और लिविंग कम्युनिटी फाउंड इन अ गिवन एरिया आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी।
यहाँ हमारे कंट्री के इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की बात जब होगी तो तीन लेवल्स हमें मिलते हैं, बायो जोग्राफिकल रीजन, बायोटिक प्रोविंस एंड बायोम। हम लोग एड्स में देखते हैं, ऐसे बोला जाता है इनक्रेडिबल इंडिया। यस इंडीड इट इज इनक्रेडिबल, क्योंकि थार के डेजर्ट से लेके तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख तक, और वहां से धीरे 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 उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, ऐसा जाते हुए जब नॉर्थ ईस्ट में पहुंचते तो फॉरेस्ट के टाइप्स, बायोडाइवर्सिटी बदलते जाती है। एक ही दिन पे हमारे कंट्री के तीन अलग अलग रीजन्स में तीन डिफरेंट कंडीशंस होती है टेम्परेचर की। वेस्टर्न घाट रहे, नॉर्दर्न हिमालयन रेंजेस रहे, या फिर अंडमान निकोबार आइलैंड्स रहे, ग्रेटर वेराइटी हम लोगों को मिलती है। बायोजोग्राफिकल रीजन्स अलग अलग टाइप के मिलते हैं। ऐसे बायोजोग्राफिकल एरियाज की जब बात होगी तो उसमें स्मॉल सब यूनिट्स होते हैं जिन्हें बायोटिक प्रोविंसेस बोला जाता है, जिसमें और अलग अलग टाइप के बायोम्स होते हैं और वो वेरिएशन इन द ऑर्गेनिज्म को मेंटेन कर रहे हैं। ऐसा जो बेसिस है बायोम के क्लासिफिकेशन का, वो किस चीज पे बेस्ड है? टर्मिनोलॉजी, डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर्स। डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर्स का मतलब है, होता है डिफरेंसेस, डिफरेंसेस इन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, वेटलैंड्स, डेजर्ट्स एंड डिफरेंट अदर इकोसिस्टम्स। और ये सब किस बेसिस पे? फिजिकल अपियरेंस एंड डोमिनेंट ऑफ द बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट। हमें जैसे सुंदरबन डेल्टा मिलता है, वैसे हमें बैक वाटर का फॉरेस्ट भी मिलता है, हमें मैंग्रोव्स भी मिलते हैं, बराबर। जहां हमें जीरो फाइट्स की पॉपुलेशन मिलती है, वहीं पे हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलते हैं। डेजर्ट्स है, वेटलैंड्स है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स है, ये सारे एग्जाम्पल्स है इकोसिस्टम के। फिजिकल स्ट्रक्चर, लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज, उनका कंपोजिशन, ये सारे डिफरेंट होते हैं फॉर डिफरेंट इकोसिस्टम्स। और इसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है वो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी को इंडिकेट करता है, विच इज ऑलमोस्ट 90%। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हम लोगों के कंट्री में, यानी भारत में या इंडिया में सबसे ज्यादा रहेगी, और उसके कंपैरिजन में नॉर्वे में कम रहेगी, वो आर्कटिक रीजन के आसपास आ रहा है। और हमारे यहाँ पे भी जैसे मैंने बोला कि डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, डेसिडियस फॉरेस्ट है, एस्ट्यूरीज है, वेटलैंड्स है, ये सारा पार्ट मिलेगा आपको। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी वेस्टर्न घाट पे जितनी मिलती है, उसके कंपैरिजन में लद्दाख और कच्छ का जो रण है वहां पे वेरिएशंस नहीं मिलेगा, बराबर। बट आज के डेट में अगर देखा जाए तो मॉडर्न मैन इस बायोडाइवर्सिटी को चेंज करते जा रहा है। जीन्स के लेवल पे डाइवर्सिटी बढ़ने के बाद स्पीशीज पे बढ़ती है और फिर इकोसिस्टम में बढ़ती है, ये इस डायग्राम से, इस रिप्रेजेंटेशन से हम लोग समझ सकते हैं। इकोसिस्टम यानी हैबिटेट का पार्ट बदलने के वजह से उसका इम्पैक्ट जीन्स पे होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी पे होता है, जिसके थ्रू नए कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट होगी, और नए कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट से स्पीशीज डाइवर्सिटी बदलती है, क्योंकि वहां पे स्पेसिएशन की प्रोसेस होगी। और उस वजह से उस इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज हमें मिलेंगे, यानी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जेनेटिक डाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट दिखाएगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी का डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोलॉजिकल पार्ट पे भी आएगा, और ये आपस में इंटर रिलेशनशिप को भी एक्सप्लेन करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट वेरियस लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगले वीडियो में हमें सीखना है पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।